सो गाइस, जैसा कि आपने साउंड टेस्टिंग देखा, यहाँ पर 6 बेस और 4 टॉप का, और यहाँ पर 4 एचएफ भी लगा हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं इस सेटअप के बारे में फुल डिटेल्स। तो फुल डिटेल्स देखने के लिए वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। कनेक्शन कैसे किया गया है, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर एम्पलीफायर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 एम्पलीफायर का यूज किया गया है। एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर स्पीकर के बारे में बात करेंगे, कितने वाट का है, कनेक्शन कैसे किया गया है, सभी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर 6 बेस और 4 टॉप के बारे में। तो यहाँ पर 6 बेस आप देख पा रहे होंगे, 4 टॉप देख पा रहे होंगे। बात करेंगे वोल्टेज के ऊपर, तो यहाँ पर बेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल बेस है जो कि फ्रंट स्पीकर लगा हुआ है, मतलब फ्रंट बेस है यहाँ पर, और 1800 वाट का सभी स्पीकर इसमें लगा हुआ है, मतलब ऑल स्पीकर यहाँ पर 6 बेस जो भी है यहाँ पर 1800 वाट का स्पीकर का यूज किया गया है। वही हम बात करेंगे यहाँ पर डुअल टॉप के बारे में, जो कि यहाँ पर 2 स्पीकर लगा हुआ है एक टॉप में। स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो 450 वाट का स्पीकर का यूज किया गया है, मतलब 450 वाट का एक स्पीकर प्लस 450 वाट का एक स्पीकर, 2 स्पीकर एक कैबिनेट में यूज किया गया है। एक टॉप 900 वाट का बन जाता है। तो इस टाइप के यहाँ पर 4 टॉप को यूज किया गया है। और वही हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 एचएफ लगाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 पारलाइट लगा हुआ है। और बात करते हैं इस सेटअप के बारे में फुल डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर एम्पलीफायर और कनेक्शन कैसे किया गया है। तो यहाँ पर 4 एम्पलीफायर लगाया गया है। एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट एम्पलीफायर है स्ट्रेंजर का PBT501, दूसरा एम्पलीफायर है यहाँ पर HD501 जो कि एरोंस की तरफ से आता है, और तीसरा एम्पलीफायर है जेफर लैब्स का डब स्टेपर जो कि Z6 है, जो कि 6000 वाट का एम्पलीफायर है। और वहीं हम बात करेंगे चौथा एम्पलीफायर के बारे में, तो यहाँ पर एरोंस का HD9001 एम्पलीफायर है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कनेक्शन कैसे किया गया है। तो बात करेंगे पहले बेस के ऊपर, मतलब नीचे से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेस आप देख पा रहे होंगे 6 बेस है, तो यहाँ पर इसमें 2 एम्पलीफायर लगाया गया है, मतलब कि यहाँ पर एरोंस HD9001 एम्पलीफायर में 4 बेस लगाया गया है, मतलब 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में। और वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर जेफर लैब्स के Z6 एम्पलीफायर में, तो यहाँ पर 2 बेस चलाया गया, मतलब एक बेस एक चैनल में, एक बेस दूसरे चैनल में, इस टाइप से यहाँ पर यूज किया गया है। वहीं हम बात करेंगे तो यहाँ पर एरोंस के HD5001 एम्पलीफायर के बारे में, तो यहाँ पर 900 वाट का 4 टॉप चलाया गया, मतलब कि 2 टॉप एक चैनल में, 2 टॉप दूसरे चैनल में, 2 ओम्स के ऊपर रन किया गया है इस एम्पलीफायर में, जो कि काफी अच्छा लोड यहाँ पर भाई ने दिया है यहाँ पर HD5001 में, काफी अच्छा। यहाँ पर इस टाइप के टॉप आप 4 टॉप इस एम्पलीफायर में आप काफी अच्छा चला पाएंगे और एम्पलीफायर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको दे देगा। वही हम बात करेंगे स्ट्रेंजर PBT501 में, तो यहाँ पर HF इसमें चलाया गया है, जो कि PBT501 जो कि 500 वाट का एम्पलीफायर है। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर जनरेटर के बारे में, तो यहाँ पर जनरेटर इसमें यूज किया गया है, 12.5 KVA का जनरेटर यूज किया गया है। और वही हम बात करेंगे डीजे के नाम के बारे में, कहाँ का डीजे है, तो डीजे के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर महामाया डीजे जोन ककना का है, अंबिकापुर के पास ही पड़ता है, और भाई का जो एड्रेस है, मतलब का भाई का जो घर है वो बरियों का, बरियों साइड है भाई का घर, जो कि लगभग अंबिकापुर से 20 किलोमीटर के आसपास ही है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप भी चाहते हैं आपका डीजे सेटअप का वीडियो यूट्यूब चैनल में डले, तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप फुल डिटेल्स भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, फुल डिटेल्स के साथ भेज सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।